नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 3 फरवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जारी हुआ बिहार पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट। पटना सहित बिहार के 30 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिहार में बढ़ी धान खरीदारी की समय सीमा। आरआरबी एनटीपीसी मामले में जांच के लिए आज आ रही है टीम। बिहार के राजमार्गों का होगा विस्तार। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जारी हुआ बिहार पुलिस एसआई भर्ती का रिजल्ट। बीते दिन बिहार पुलिस के एसआई और सार्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई प्रारंभिक लिखित परीक्षा के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब सभी परीक्षार्थी अपना रिजल्ट बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस में एसआई और सार्जेंट की ये परीक्षा दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पदों के लिए 26 दिसंबर को प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके लिए लगभग 6 लाख छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से लगभग 48,000 छात्रों को सफलता मिली है। सीएम के चहेते बने उनके परामर्शी। हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए एक अतिरिक्त परामर्शी पद का सृजन किया गया था। इस पद पर पूर्व आईएएस मनीष कुमार वर्मा को बीते दिन नियुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि मनीष वर्मा को इससे पहले बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सदस्य बनाया गया था। ज्ञात हो, मनीष वर्मा उस समय चर्चा में आए थे जब वो पटना के जिलाधिकारी थे। उन्हीं के कार्यकाल में 3 अक्टूबर 2014 को पटना के गांधी मैदान में रावण दहन के बाद भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी निकल करके सामने आई थी। पटना सहित बिहार के 30 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के लोगों को अभी ठंड से मुक्ति मिलती दिखाई नहीं दे रही है। राज्य में आज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो पटना सहित राज्य के 30 जिलों के लिए बारिश के साथ साथ बिजली चमकने और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 4 फरवरी को राज्य के 4 जिलों में तेज बारिश के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कटिहार, जमुई, बांका और मुंगेर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के अन्य जिलों के लोगों को भी 3 और 4 फरवरी के दिन सावधान ही रहना चाहिए। बिहार में बढ़ी धान खरीदारी की समय सीमा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। आयोजित इस बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की। साथ ही इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश को खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति, लक्ष्य और चावल मिलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने अपने यहां सबसे पहले पैक्स के धान अधिप्राप्ति की शुरुआत कराई। इससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है, जिसके तहत ही धान अधिप्राप्ति के लिए 15 फरवरी 2022 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। सत्र की हुई घोषणा, इस दिन पेश होगा बजट। केंद्र सरकार के बाद बिहार सरकार भी बजट पेश करने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीख की घोषणा कर दी गई है, जिसके तहत ही ये बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू होगा, जो कि आने वाले एक महीने से भी ज्यादा समय तक जारी रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार इस सत्र का समापन 31 मार्च को किया जाएगा। 25 को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा। ज्ञात हो, केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में पेश किए गए बजट में तो बिहार सरकार को कुछ खास मिला नहीं, लेकिन अब सभी को बिहार सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं। में पढ़ाई के साथ बच्चे करेंगे पर्यटन स्थलों की सैर। बिहार में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिफारिश के आलोक में नए सत्र में स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ पर्यटन स्थलों की सैर का भी अवसर मिलने वाला है। इसको लेकर सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को जल्द ही गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। इस पहल के साथ ही छात्र छात्राएं ऐसे स्थलों के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं आदि से भी परिचित हो सकेंगे, जो अब तक वो किताबों में ही पढ़ते रहे थे। छात्रों में भारत भ्रमण की जिज्ञासा भी बढ़ेगी, साथ ही इससे पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। वहीं नई पीढ़ी देश की समृद्धि, विरासत, विविधता, संस्कृति, भाषा और ज्ञान से जुड़ेगी। आरआरबी एनटीपीसी मामले में जांच के लिए आज आ रही है टीम। बिहार समेत कई राज्यों में आरआरबी एनटीपीसी के परिणाम को लेकर के काफी बवाल देखने को मिला था, जिसके बाद अब परीक्षा परिणाम में क्या गड़बड़ी आई है क्या नहीं, इसकी जानकारी लेने के लिए आज दिल्ली से उच्च स्तरीय टीम पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दानापुर, सोनपुर, दरभंगा, गया, समस्तीपुर और धनबाद जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार टीम सुबह सबसे पहले पटना पहुंचेगी और यहां से लीची बगान स्थित आरआरबी कार्यालय मुजफ्फरपुर जाएगी। रेलवे अफसरों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए आरआरबी की तरफ से करीब 100 परीक्षार्थियों को भी नोटिस भेजकर बुलाया गया है, जिनसे ही रिजल्ट में हुई गड़बड़ी के बारे में सवाल जवाब किया जाएगा।
पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी एवं नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बई या हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे हैं। वो एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक चार पत्रिकाओं का संपादन भी किया। चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्तिपूर्ण गीत और कविताएं लिखी जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन, कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध हुए। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया था। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट धारकों के लिए खुशखबरी। डाकघरों के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की पहल बिहार में भी तेज हो गई है, जिसके तहत बिहार के सभी डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाना है। इस काम को करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। हालांकि बिहार के सभी डाकघरों को दिसंबर में ही कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का काम कर लिया गया था, लेकिन डाकघरों के खाता धारकों को इंटरनेट बैंकिंग सेवा का लाभ मिलने में समय लगेगा। वर्तमान समय में डाकघरों के खाता धारकों को बैंकिंग की मूलभूत सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही राज्य के 9,000 डाकघरों के 1.5 करोड़ खाता धारक मोबाइल से ही सारी तरह की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, ई मार्केटिंग से लेकर स्कूल की फीस और हवाई जहाज का टिकट भी कटवा सकेंगे। इसके साथ ही आप प्रियजनों को खाते से पैसा ट्रांसफर करने के लिए अधिक मशक्कत भी अब नहीं करनी पड़ेगी। ट्रेड लाइसेंस लेने के मामले में दुकानदार पीछे। बिहार में सभी दुकानदारों को पहले ही ट्रेड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है, लेकिन कुछ दुकानदार दुकानों का ट्रेड लाइसेंस लेना अभी भी जरूरी नहीं समझ रहे, जिसके कारण नगर परिषद का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। जानकारों की माने तो लाइसेंस नहीं लेने वालों के खिलाफ अभी तक कोई विभागीय कार्रवाई नहीं होती है। यही कारण है कि दुकानदार लाइसेंस लेने में आनाकानी करते हैं, जिसके कारण ही नगर परिषद को हर साल लाखों रुपए का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहरी अथवा नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन, मॉल, थिएटर, बेकरी, नाश्ते की दुकान, खाद्य स्टॉल, खुदरा विक्रेताओं, दैनिक उपयोग के सामान बेचने वाले दुकानदार इस श्रेणी में आते हैं। अभी ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है। एक बार फिर से जारी कर सकता है सबसे पहले रिजल्ट। अभी बिहार में इंटर की परीक्षा की शुरुआत हुई है कि इसके परिणाम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि पिछली बार की भांति इस बार भी बिहार बोर्ड की यही कोशिश है कि सभी बोर्ड के मुकाबले रिजल्ट को पहले जारी कर दिया जाए। जानकारों की माने तो बोर्ड की तरफ से संभव है कि मार्च के अंत या फिर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। उसी के मद्देनजर कॉपियों की जांच, रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी बिहार में चल रही है। हालांकि बिहार बोर्ड कब रिजल्ट का प्रकाशन करता है इसकी कोई आधिकारिक तारीख तो फिलहाल जारी नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार भी बिहार बोर्ड अन्य सभी बोर्ड के रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब रहेगा। बार बार वार्निंग के बावजूद आईपीएस अफसरों ने नहीं दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। गृह विभाग बीते कई महीनों से सभी आईपीएस अफसरों से बार बार संपत्ति का ब्यौरा जमा करने की मांग कर रही है। इसके बावजूद 59 आईपीएस अफसरों ने समय पूरा होने के बावजूद अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा नहीं किया, जिसके बाद ही गृह विभाग ने संबंध में डीजीपी को पत्र जारी किया है। विभाग के सचिव के सेंथिल कुमार ने डीजीपी को लिखे पत्र में कहा है कि 21 दिसंबर 2021 और 18 जनवरी 2022 को इस संबंध में पत्र दिया गया था। बिहार संवर्ग के भारतीय पुलिस सेवा के कुल 59 पदाधिकारी ने साल 2021 की वार्षिक अचल संपत्ति विवरण को स्पैरो सिस्टम के तहत अब तक ऑनलाइन समर्पित नहीं किया है, जबकि आखिरी तारीख 31 जनवरी ही थी। बिहार के राजमार्गों का होगा विस्तार। बिहार के राजमार्गों का जल्द ही विस्तार होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के नेशनल हाईवे को कम से कम 1000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत पथ निर्माण विभाग ने 905 किलोमीटर सड़कों के बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेज रखा है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इंडस्ट्री कॉरिडोर सहित अन्य सड़कों से भी बिहार को लाभ होगा। ज्ञात हो भारतमाला फेज 2 में बक्सर भागलपुर सहित 4 नई सड़कों के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया है। बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों की लंबाई विगत शो में बढ़ी है और अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम है। पटना हाईकोर्ट में लैब टेक्नीशियन की बहाली को लेकर मिला अल्टीमेटम। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने बीते दिन पटना हाईकोर्ट में लैब टेक्नीशियन की बहाली को लेकर अपनी सुनवाई पूरी की। इस दौरान पटना हाईकोर्ट ने लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का आदेश राज्य सरकार को दे दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 21 जून 2015 को प्रकाशित किए गए विज्ञापन के मामले में यह आदेश कोर्ट ने पारित किया है। विज्ञापन बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाला गया था। इसमें कुल 1772 रिक्तियां थी, लेकिन अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को 1 सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित करने को भी कहा है। साथ ही साथ कोर्ट साल 2019 में किए गए संशोधन के अनुसार अर्हता रखने वाले याचिकाकर्ताओं के मामले पर भी विचार करने को कहा है।
नीतीश के मंत्री ने नासा की तस्वीर शेयर कर दिखाई बिहार की विकास गाथा। बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने अपने ट्विटर हैंडल से बीते दिन दो तस्वीरों को शेयर किया। ये तस्वीरें साल 2012 और 2021 की है। इन दोनों तस्वीरों में भारत का मानचित्र है जिसमें बिहार चमकता हुआ नजर आ रहा है। इसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि आप आसमान से भी बिहार का विकास देख सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। 2005 के पहले बिहार में जब घंटों बिजली कटे रहने के बाद वापस आती थी तो लोग ताली बजाते थे कि चलो बिजली आ गई, लेकिन आज सूबे के हर गांव में 22 से 24 घंटे बिजली रहती है। बिहार में जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में काम हुआ वो अद्भुत है। अब बिहार को बनाना होगा आत्मनिर्भर। बिहार को बीते कई दिनों से स्पेशल राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई जा रही है, जिसको लेकर जहां एक तरफ जदयू और विपक्ष साथ है, वहीं इस मामले को लेकर भाजपा ने शुरू से ही विरोध किया है। वहीं अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर अहम टिप्पणी की है, जिसके तहत बीते दिन उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में गरीबी राज्यों के लिए जिस तरीके से प्रावधान किया गया है उसका बड़ा फायदा बिहार को मिलेगा। पहले से ही बिहार को केंद्र सरकार से ज्यादा पैसा मिल रहा है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों की आबादी बिहार से ज्यादा है, लेकिन फिर भी बिहार को उन राज्यों से 5% ज्यादा पैसे मिलते रहे हैं। बिहार को उत्तर प्रदेश के बाद केंद्र से सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है। संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार को अपनी तरफ से रेवेन्यू कलेक्ट करना होगा। ललित बाबू की जयंती पर पोते ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस को कहा अलविदा। कांग्रेस के कद्दावर नेता ललित नारायण मिश्र की जयंती बीते दिन मनाई गई। हालांकि उनकी जयंती पर उनके पोते और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कांग्रेस को करारा झटका दिया है। उन्होंने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्होंने सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेज दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के पीछे की वजह तो सामने नहीं आई, लेकिन पिछले दिनों ही ऋषि मिश्रा ने प्रदेश नेतृत्व के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश नेतृत्व केवल अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहा है, जिसके बाद से उनकी पार्टी छोड़ने के कयास लगाए जा रहे थे। जीतनराम मांझी ने शरद यादव से की मुलाकात, सीएम नीतीश और लालू यादव से की ये मांग। बीते दिन बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य शरद यादव से मुलाकात की, जहां उन्होंने शरद यादव की आवाज पर इन दोनों की मुलाकात हुई। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन दोनों की यह मुलाकात महज शिष्टाचार की मुलाकात थी। वहीं मुलाकात के बाद ही जीतनराम मांझी ने सीएम नीतीश और लालू यादव से बड़ी मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये दोनों या इनमें से कोई एक भी चाह ले तो शरद जी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसको लेकर वो दोनों नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं। शरद जी के प्रति बिहार वासियों का ये कर्तव्य भी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि शरद यादव ने उन्हें काफी प्रतिष्ठा दी, एक तरह से इनके राजनीतिक जीवन के बड़े सूत्रधार भी हो रहे हैं। कर रही है नीतीश सरकार। जब से देश का बजट पेश हुआ है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पक्ष में कुछ न मिलने पर भी इसे सकारात्मक बताया है और उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध किया, तब से ही बिहार के विपक्षी दलों को मुद्दा मिल गया है, जिस पर ही अब राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान ही शिवानंद तिवारी ने कहा कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं, बिहार की जनता के साथ मजाक चल रहा है। एक तरफ आप अपने मंत्रियों से बयान दिलवा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और दूसरी तरफ बजट में बिहार को कुछ न मिलने पर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं। बिहार को उम्मीद थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जरूर मिलेगा, लेकिन न माया मिला न राम। बजट से बिहार के लिए सिर्फ निराशाजनक देखने को मिला। सबसे बड़ी रोजगार योजना से केंद्र सरकार ने काटी कन्नी। बिहार समेत देश भर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के काल से गरीबों को निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की शुरुआत की गई थी, जिसकी मदद से ही 100 दिनों की गारंटी रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। लेकिन अब ये योजना ही मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब मोदी सरकार में मनरेगा के आवंटन में भारी कटौती हुई है। मनरेगा के लिए आम बजट 2022-23 में मात्र 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं पिछले साल मनरेगा के लिए आवंटित राशि 98,000 करोड़। सीटीईटी का आंसर की जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते दिन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी की आंसर की को जारी कर दिया है, जो कि बोर्ड की वेबसाइट www.cteet.nic.in पर आंसर की जारी की गई है, जिसके बाद ही अब जो भी अभ्यर्थी आंसर की से संतुष्ट नहीं है वो आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं। ध्यान रहे, आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को प्रति प्रश्न 1,000 रुपए देना होगा। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति 4 फरवरी तक ली जाएगी। बोर्ड की माने तो आंसर की से अभ्यर्थी अपने उत्तर का मिलान कर सकते हैं। फरवरी अंत तक सीटीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। सीटीईटी इस बार ऑनलाइन लिया गया था। आपको यह भी बता दें कि परीक्षा 16 दिसंबर 2021 से 21 जनवरी 2022 तक ली गई थी।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शुरुआत 1916 में आज के दिन हुई। भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक संयंत्र की 1970 में तलचर में आधारशिला आज के दिन रखी गई। भारतीय नौसेना की पहली परमाणु संचालित पनडुब्बी INS चक्र को 1988 में सैन्य बेड़े में शामिल आज के दिन किया गया। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में 1999 में डेमोक्रेटिक जनता दल का पुनरुद्धार हुआ। भारत के पहले सांसद दिलीप सिंह सोंद को सम्मानित करने के लिए 3 फरवरी 2005 के दिन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में लाए गए विधेयक को आम राय में मंजूरी मिली थी। भारतीय कंपनी की 11 खरब क्यूबिक फीट गैस का भंडार 3 फरवरी 2008 को ईरान के तटीय क्षेत्र में मिला था। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2009 में गरीबी उन्मूलन हेतु नया फॉर्मूला बनाया था। रिजर्व बैंक के 23वें गवर्नर रघुराम राजन का जन्म 1963 में आज के दिन हुआ था। IPL के नीलामी में शामिल होंगे बिहार के इतने खिलाड़ी। इसी महीने 12 और 13 तारीख को IPL के लिए ऑक्शन होना है। एक बार फिर से दुनिया भर के क्रिकेटरों की बोली इसमें लगाई जाएगी। खिलाड़ियों की मंडी में करोड़ों के दाव आजमाए जाएंगे। बिहार के लिए भी इस साल अच्छी खबर सामने आई है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि बिहार के भी खिलाड़ियों की यहां पर नीलामी होने वाली है। इस लिस्ट में एक दो नहीं बल्कि बिहार से 6 नाम शामिल है, जिसमें ही बिहार के अभिजीत साकेत, लखन राजा, प्रत्युष सिंह, अनन्य नारायण सिंह, विपुल कृष्णा और अनुज राज का नाम शामिल है। बिहार क्रिकेट संघ इससे काफी खुश है। संघ का कहना है कि ये खिलाड़ियों के लिए बड़ी उपलब्धि है। इससे उन्हें दुनिया भर में पहचान मिलेगी और भारतीय टीम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। NTPC के परीक्षार्थियों की मांग को सुशील मोदी ने राज्यसभा में करवाया अवगत। RRB NTPC के छात्रों का बवाल बिहार में कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, जिसके बाद सरकार को खुद ही परीक्षा लेने के निर्णय को वापस लेना पड़ा था। हालांकि छात्रों का विरोध क्यों हुआ और रेलवे की तरफ से क्या भूल हुई, इसको लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही है। इसी बीच छात्रों को शांत करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बीते दिन राज्यसभा में छात्रों की समस्या से सदन को अवगत करवाया है। साथ ही उन्होंने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड की ग्रुप डी और NTPC के 1,35,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों की तरफ से किए गए आंदोलन का समर्थन किया। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से उनकी मांग को पूरा करने का आग्रह किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि कमेटी की रिपोर्ट का बिना इंतजार किए रेलवे ग्रुप डी की मात्र एक परीक्षा और NTPC के लिए 3.5 लाख अतिरिक्त रिजल्ट की घोषणा जल्द से जल्द की जाए, ताकि छात्रों का विरोध प्रदर्शन दोबारा देखने को न मिले। जदयू की नैया डुबाने वाले दो और नेताओं की भाजपा में हुई वापसी। बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू का प्रदर्शन बेहद ही निराशाजनक देखने को मिला था। हालांकि जदयू का यह प्रदर्शन इसलिए भी बेकार दिखा था क्योंकि जदयू की नैया डुबाने में पार्टी के अंदर के बागियों ने बगावत दिखा दी थी, लेकिन अब शाम के भोले सुबह घर को लौटने लगे हैं। यही कारण है कि चुनाव के समय अपना रंग दिखाने वाले बागियों की पार्टी में तेजी से वापसी हो रही है। कुछ दिनों पहले ही भाजपा ने दो बागियों को शामिल किया था। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और सिवान से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मनोज सिंह फिर से भाजपा में शामिल हो गए हैं। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दोनों नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। आपको बता दें कि 2015 का चुनाव भाजपा और जदयू ने अलग अलग लड़ा। हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सकों को ओल्ड एज पेंशन और GPF नहीं देने पर जवाब किया तलब। राज्य में पशु चिकित्सकों को ओल्ड एज पेंशन और GPF का लाभ नहीं देने के लिए राज्य सरकार के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन सुनवाई की। इस दौरान जस्टिस PB बजंत्री ने डॉक्टर मनीष कुमार पांडे और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 3 महीने में हलफनामा दायर करने का और जवाब देने का निर्देश दिया है। ज्ञात हो राज्य सरकार ने 9 जून 2020 को एक निर्णय लेकर राज्य के पशु चिकित्सकों को ओल्ड एज पेंशन और GPF का लाभ इस आधार पर देने से रोक दिया था कि इन पशु चिकित्सकों की बहाली 27 मार्च 2014 को हुई है। इसमें यह कहा गया है कि रिट याचिका दायर करने वाले पशु चिकित्सक को नए पेंशन योजना और GPF जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, जो कि लंबे समय से नहीं दिया जा रहा है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रिजवाना परवीन, प्रदीप कुमार, विकास कुमार, चंद्र पासवान, महासेठ माइकल, अरविंद कुमार, सौरभ सुमन, अनवर करीम खान, विजय खायल, शिवानी सिंह, रूपेश कुमार, गोपी कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अरुण कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार द्वारा कोरोना की तीसरी लहर के रोकथाम के लिए किए जा रहे काम से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।